मेट्रो आगरा में काम कर रहा है और आवागमन की सुविधा के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी की मेहरबानी से आगरा को मिला है ये तोहफा। लेकिन अभी जब ये अंडरग्राउंड उसमें चल रहा है काम, मोती कटरे के नीचे से होती जा रही है, तो उसमें देखने में आया कि वहाँ के मकानों में दरारें आई हैं, मकानों में क्षति हुई है। तो ये जानकारी जब मुझे लखनऊ में मिली तो तुरंत मैंने अपने पीआरओ को और अपने बेटे को भेजा ऑब्जर्वेशन के लिए, देख कर आओ। कल मैं स्वयं जब आगरा आया तो मैं देखने गया वहाँ पर, तो काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर मकानों में। यहाँ तक कि देखने को मिला कि 4x4 का बाथरूम और 4 पिलर लोहे के खड़े कर दिए इन्होंने उसको रोकने के लिए। एक 8x10 का कमरा तो उसमें 9 पिलर खड़े हुए हैं, तो जब इतने पिलर खड़े हो जाएंगे तो उसका उपयोग कैसे हो पाएगा, और एक जनजीवन खतरे में पड़ सकता है। आज मैंने जिलाधिकारी जी को भी बुलवाया, यहाँ बैठक ली है मेट्रो वालों के साथ और उनको हिदायत दी है कि नंबर एक ये उनके इस काम से वहाँ का सीवर प्रभावित हुआ है, सीवर सिस्टम प्रभावित हुआ है, उसको दुरुस्त करें। नंबर दो, जिनके यहाँ जो नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह मरम्मत करें। मरम्मत करने के बाद मरम्मत करके ना छोड़ दें, उस पर जैसा भी पेंट था वैसा पेंट कराएं। तीसरा, अगर ज़्यादा नुकसान है तो मुआवजा दें। और चौथा, जब तक ये काम उनका चल रहा है और वहाँ पर रहने की स्थिति नहीं बन रही है तब तक उनके रहने की व्यवस्था मेट्रो करे। यदि वो अपने किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं तो उसका मुआवजा दे, और कहीं पे होटल में जा रहे हैं तो उसका खर्चा ये दे। ये बात हुई है। थर्ड पार्टी इसमें असेसमेंट के लिए मैंने डीएम साहब को कहा है कि आइदर पीडब्ल्यूडी, आवास विकास, जो इस तरह की कार्यदायी संस्था है, एक पार्टी इसको ले साथ में और डीएम साहब खुद दौरा करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और इसका कितना नुकसान हो रहा है ये देखना है, मकानों की स्थिति क्या है, ये एक्सपर्ट जो ओपिनियन आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। किसी भी हालत में जनता को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।